नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं रेणु चतुर्वेदी, आज हम आपको कुंडली विश्लेषण के विषय में बताएंगे। एक कुंडली जिसका डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग हमें मिली है, उसकी चार्ट इस तरह से बन के तैयार हुआ है। इस कुंडली में क्या घटित होगा, इसका लग्न कैसा है, कुंडली में व्यक्तित्व, इसके जीवन में क्या क्या घटनाएँ घटित होंगी, कैसा जीवन जाएगा, संघर्षपूर्ण होगा या नहीं होगा, ये सारी बातें बताएंगे। तो आइए देखते हैं कुंडली का विश्लेषण किस प्रकार से करते हैं। देखिए, इस कुंडली में लग्न में तुला राशि है, इनके जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और शुक्र जाकर के कुंडली में व्यय भाव में बैठे हैं। लग्नेश का यहाँ पे बैठना अच्छा नहीं होता है, लग्नेश क्या किसी भी भाव का छठे आठवें और बारहवें में बैठना अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी शुक्र का बारहवें भाव में बैठना काफी अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र जब बारहवें भाव में होते हैं तो वो उच्च के हो जाते हैं, मतलब एग्जॉल्टेड माने जाते हैं और वो संपूर्ण जीवन में आपको भौतिक सुख सुविधाओं, फिर से कर देती हूँ रिपीट, भौतिक सुख सुविधाओं, ना कि आपके किसी भी स्पिरिचुअल या आपकी जिंदगी को बहुत उच्च श्रेणी का बनाएंगे, इसकी बात नहीं हो रही है। जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं वो आपको प्राप्त कराते हैं। तो यहाँ पे शुक्र आपको भौतिक सुख सुविधाएं देते हैं और उस संपूर्ण ऐसो आराम जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको प्राप्त होती है। तो लग्नेश का यहाँ पे होना नॉट गुड, लेकिन इस मामले में चूंकि यहाँ शुक्र है तो वो अच्छा है। अब आ जाते हैं इससे क्या हम एनालिसिस करेंगे। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो सुख सुविधाएं ऐसो आराम से परिपूर्ण होगा और उन्हें ऐसी चीजें पसंद भी होंगी और दिखने में भी काफी सुंदर होंगे। अब आ जाते हैं द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, जो भाग्य स्थान में है। द्वितीय में भाग्य स्थान में और केतु के साथ है, यानी भाग्य जो है वो लेट उदय होगा और जब भी उदय होगा तब कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं जीवन में आती रहेंगी। यानी भाग्य का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 50% ही समझ लीजिए, क्योंकि जीवन में विघ्न बाधाओं के साथ ही काम होते रहेंगे, क्योंकि केतु जो है वो काटता है। लेकिन फिर भी मंगल के साथ राहु की युति प्रैक्टिकली व्यवहारिक जीवन में ज्यादा खराब देखी गई है बजाय मंगल और केतु की युति के। यह अंगारक योग बनाता है, मंगल राहु भी अंगारक योग बनाता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली मंगल और राहु की युति ज्यादा प्रॉब्लम देती है बजाय मंगल और केतु के। तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम होगी, भाग्योदय लेट होगा। द्वितीय से यहाँ पे यानी ये द्वितीय भाव के स्वामी भी है और द्वितीय भाव के स्वामी ही नहीं सप्तमेश भी है, यानी द्वितीय और सप्तमेश दोनों हैं। तो शादी के बाद लाइफ में थोड़ी मन मुटाव या फिर अनबन हो सकती है मंगल और केतु इस चीज़ को, यानी जो इनकी लाइफ पार्टनर होंगी वो थोड़े तेज स्वभाव की होंगी और इससे लाइफ में थोड़ा अनायास झगड़े और तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। राहु धनु राशि में है, शनि जो है वो बकरी है, बकरी होकर अपनी ही राशि में चतुर्थ भाव में बैठे हैं। शनि का यहाँ बैठना अच्छा परिणाम नहीं देता है। किस मामले में नहीं देता है वो हम बता दें। ये जातक अपने माँ पे थोड़ा भारी माना जाता है। भारी मीन्स इनके जन्म के साथ इनकी माँ से या तो बनती नहीं होगी या बनती भी होगी तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं करते होंगे, ऐसे कार्य करते होंगे जिससे माँ को नुकसान उठाना पड़ता होगा। वो घटनाएं किसी भी प्रकार की, जैसे धनहानि हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है, फैसले ना मानना हो सकता है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं कहा जाएगा कि यही प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रॉब्लम होती है, जनरली मामलों में धनहानि होती है। चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में है, पंचम भाव में है। चंद्रमा मन को डिनोट करते हैं, इनका पंचम भाव में और इनके स्वामी का शनि का वक्री होकर चतुर्थ भाव में बैठना, पंचमेश का चतुर्थ भाव में बैठना वक्री होकर के, अगर जो भी, और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है दशमेश भी है, दशमेश भी पंचम भाव में बैठे हैं और चतुर्थेश जो है वो चतुर्थ, पंचमेश जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, माफ कीजिएगा, पंचमेश जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं। दशमेश का यहाँ होना अच्छा योग माना जाता है, लेकिन इसका यहाँ पे होना कुछ संघर्ष देता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो अगर पूरी कुंडली को एनालिसिस करें, लाभ स्थान में सूर्य है, सूर्य बुध गुरु है, बुध और गुरु अस्त हैं, सूर्य अपनी ही राशि में है, तो कुल मिला के अगर कुंडली देखी जाए तो धन के मामलों में कुंडली काफ़ी अच्छी है। कार्य क्षेत्र में पढ़े लिखे होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे और इन सब मामलों में अच्छी होगी। मन भ्रमित होता रहेगा क्योंकि पंचमेश जो है वो यहाँ बैठ गए हैं, तो मन भ्रमित होता रहेगा, लेकिन फिर भी अपने लाइफ में धन के मामलों में, भौतिक सुख सुविधाओं के मामलों में परिपूर्ण रहेंगे। इस चीज़ों की इनको कभी दिक्कत नहीं होगी। कुछ चीज़ें इस कुंडली में अगर नेगेटिव कही जाए या इसको पूरी कुंडली को कहा जाए कि इसमें सबसे खराब पॉइंट क्या है, तो यही है कि भाग्य इनके लेट उदय होगा, भाग्य में आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी, संघर्ष के बाद मिलेंगी, और उसके बाद अगर कुछ खराब है तो चतुर्थ भाव में शनि का होना, क्योंकि शनि जब यहाँ पे होता है तो सप्तम की पूर्ण दृष्टि से इसको भी देख रहा होता है। तो ये चीज़ें जो है कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करती हैं, आसानी से नहीं होना, परेशानी होना,
बाकी कुंडली अगर चंद्रमा से अगर गणना करें तो कुंडली में कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, जैसे अगर आप देखें यहाँ से तो अगर चंद्रमा को यहाँ पे अगर चंद्र कुंडली लें तो चंद्रमा ये पहले हो जाएंगे, वहां से द्वितीय भाव में ये आ जाएंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो चंद्रमा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चंद्रमा से सातवें भाव में सूर्य आ जाएंगे, यानी विवाह को विलंब करेंगे। ओके, तो इस कुंडली में इस जातक की शादी भी थोड़ा लेट ही होगी, यानी कुल मिला के इसका प्रभाव पूरे जीवन रहेगा, मंगल केतु का प्रभाव पूरे जीवन रहेगा, यानी शादी भी लेट होगी, भाग्योदय भी लेट होगा, धन भी लेट कमाएंगे, लेकिन जब कमाएंगे तो अच्छा कमाएंगे और पूरा कमाएंगे, यानी उसमें फिर सुख सुविधाओं में और चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी। भाग्योदय आप इनका मान सकते हैं कि 34 से 35 वर्ष की आयु के आसपास में होगा, उसमें भी हम बता दें 35 वर्ष की आयु के आसपास होगा उनका भाग्योदय होगा। और सामान्यतः इन एस टाइप की जो कुंडली होती है, जो इस तरह से बनी हुई कुंडली होती है जिसमें राहु त्रय, राहु यहाँ पे अच्छे माने जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा साहसी भी होता है, वो अपनी चीज़ों से जल्दी घबराता नहीं है और जो भी परिस्थिति होती है, जैसी भी परिस्थिति होती है, उसे एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ने का पूरा पूरा कोशिश करता है। तो ये इस कुंडली का प्रिडिक्शन है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास भी कोई कुंडली है तो आप जरूर भेजें, हम उसका भी प्रिडिक्शन जरूर करेंगे। नमस्कार।